लाइट देख रहे हैं कितना अच्छा लाइट है और बहुत दूर तक इसका लाइट जा रहा है। ये एलईडी लाइट है लुमैक्स की जो कि होंडा साइन में लगा हुआ है। चलिए इसे फिटिंग करना है, बताते हैं आप। तो होंडा साइन है, इसमें हम एलईडी लाइट लगाएंगे जो कि हेडलाइट में लगा हुआ होता है, बाहर से एलईडी नहीं लगाएंगे। इसमें ये BS4 है, इसमें ऑन ऑफ की स्विच नहीं है। तो चलिए पहले हम पुराना वाला बल्ब को खोल लेते हैं। ये पुरानी वाली बल्ब है, तो बाहर निकाल लेते हैं और इसमें हम एलईडी बल्ब लगाएंगे जो कि लुमैक्स कंपनी का आता है। ये पुराना वाला बल्ब है और ये लुमैक्स कंपनी का एलईडी बल्ब है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ये बल्ब देख रहे हैं, ये एलईडी है और इसे हम फिट करेंगे साइन में, होंडा साइन में। चलिए हम इसे फिटिंग करते हैं। इसका दाम 700 रुपये है। कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह वो बोल था, बल्ब था, उसी तरह हम इसमें लगा देंगे। कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। लगा कर इसका कैप लगा दिए। अभी इसका ऊपर में जो रबर होता है उसे हम लगाएंगे ताकि डस्ट अंदर ना जाए। इस बल्ब में फैन नहीं होता, ये किट होती है एलईडी के लिए। और इसका रबर को हम फिटिंग करेंगे थोड़ा कट करके। दुकान वाला मेडिकल वाला क्या होता है कि डस्ट अंदर नहीं जाता है, बाहर की डस्ट जो होती है अंदर जाती है और हेडलाइट सही रहती है। अब इसे हम बल्ब का ही कनेक्शन में कर देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। बस सिर्फ जो स्विच में जाता है एक पीली कलर की वायर होती है, येल्लो वायर, उसे हम कट करके बैटरी से कनेक्शन देंगे। तो ये पीला वाला वायर को हम कट करेंगे। पीला वाला वायर को कट करके हम इसे डायरेक्ट चाबी स्विच से देंगे जो इग्निशन ऑन होने पर इसमें करंट आती है। मोबाइल बज रहा है मेरा। इसे कट करेंगे, इसे कट करते हैं। चूँकि जितनी भी एलईडी आती है वो डीसी करंट से चलती है, अगर आपकी बाइक में बैटरी नहीं है तो भी आप एक कंडेंसर का यूज करके आप एलईडी लगा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी सब सब पता है, लोकेशन डाल किए थे, हम उसी से यूज करेंगे। और ये बहुत कम पावर खींचती है क्योंकि ये एलईडी है, ये ज्यादा लोड नहीं लेती। अच्छा सीरीज कैमरा है ना, कैमरा है ना, हमारा पता नहीं। इसे कट करके इसमें एक वायर जोड़ेंगे, लंबी करेंगे इसे और कुर्सी हम रखे हैं ठीक। ऑन जो होता है उसमें रेड में ब्लैक जो होता है उसमें हम जोड़ेंगे, तो जोड़कर हम टेपिंग कर देंगे। ध्यान रखें अगर अलग से आप बाइक में कोई भी वायर जोड़ रहे हैं तो कॉपर का ही होना चाहिए, दूसरी वायर न जोड़ें। इसे टेपिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और इस वायर को हम यहाँ रेड में जो ब्लैक है उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि जो रेड में ब्लैक होता है वो आउटपुट होता है और रेड वाली इनपुट होता है, तो उसी में हम कनेक्शन करेंगे इसे। क्योंकि मैं ब्लैक वायर में भी दे सकता था लेकिन उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा राउंड हो जाएगा और करंट कम आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी में देंगे। क्योंकि स्विच में जो वायर आती है वो मोटी वायर होती है और उसमें करंट सही आता है, जितना वायर डीसी करंट में राउंड करेगा उतना उसका पावर घटते जाता है। ये हो गया, इसमें भी हम टैपिंग कर देंगे। टेपिंग अच्छी तरह से कर लेंगे, उसके बाद हम ये मांग दिया एक स्विच लगा देंगे। पहले तो स्विच लगाने का प्लान नहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि दिन में नहीं जलाएंगे, ऑफ रखेंगे, कट गया। एक स्विच लगा देंगे और स्विच लगाने के लिए पीली वाले वायर जो हमने स्विच से दिया उसे बीच में कट करके दो वायर हो जाएंगे, दोनों वायर को स्विच में दे देंगे। तो दोनों वायर को कट करके दोनों में स्विच दे दिए हैं। पहले तो जिनका बाइक था उन्होंने कहा कि स्विच नहीं डालूंगा,
तो मैंने कहा कि ये एनी टाइम जलते रहेगा। तो एलईडी लाइट्स जो होती है उनकी पावर कम होते जाती है, जितना यूज होगा उतना वो कम होती जाती है, वो घंटा पर रहता है लिमिट उसका। कोई भी आप एलईडी बल्ब लीजिए उसमें उसका टाइम लिखा हुआ रहता है, इतना घंटे चलेगी, 2000-5000 घंटे चलेगी। तो इसमें हमने एक स्विच डाल दिया, स्विच ऑन करने पर चलेगी। टाइम टाइम पे सब कर स्विच दे दिया, मांगे स्विच का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका वायर को डाल देते हैं। अब ये लाइट देख रहे हैं, पहले पीली थी अब वाइट हो गई और बहुत ही अच्छा लाइट है। कंपनी भी अच्छी है बल्ब की, जो खराब जो डीपर है वो हेड जल रही है। अब हम इसे फिटिंग कर देते हैं वाइजर को और आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह अंधेरे में कि ये लाइट कैसे करती है। रोड में लाइक गाड़ी को करके मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ, पूरा इसको कस लेता हूँ। ये देख रहे लाइट इसकी, ये डीपर है और वो हेड है। हेड आप ऑन करने के साथ हेड जलेगी और डीपर आपका डीपर होगी बट हेड नहीं ऑफ होगा। हेड आपका एनी टाइम चलते रहेगी स्विच ऑन होने के बाद। ऐसा होता है पहले में डीपर में देने पे वो डीपर हेड ऑफ हो जाती थी, लेकिन इसमें हेड आपका हमेशा जलेगी और जब भी आप डीपर करेंगे तो हेड और डीपर दोनों जलेगी, मतलब लाइट आपका दूर तक जाएगा। और लाइट देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लाइट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।